आज स्टार्ट करेंगे ब्रोमियम, ठीक है। मटेरिया मेडिका की हमारी रेमेडी आती है ब्रोमियम। ब्रोमियम बहुत एक यूजफुल मेडिसिन है। तो ब्रोमियम को अगर देखा जाए तो ये आयोडम है हमारी, म्यूरेटिकम ग्रुप्स हैं, ठीक है ना, तो उसी के बीच में आता है ब्रोमियम ग्रुप। किसी का माइक ऑन है आई थिंक, ठीक। तो उसी के बीच में आता है ब्रोमियम ग्रुप, ठीक है। तो ब्रोमियम जो है ये बहुत ही यूजफुल रेमेडी है। कहाँ कहाँ ये यूज होगी उसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे इसके बहुत ज्यादा ना एक छोटा स्फीयर है जहाँ पे ये एक्ट करती है, ठीक है। पर जो भी इसका स्फीयर ऑफ एक्शन को अगर हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे तो बहुत सारे केसेस, ठीक है ना, जो अंडर दैट स्फीयर ऑफ एक्शन आते हैं उसमें ये बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है, ठीक है। तो ब्रोमियम जो मेडिसिन है बच्चों में, जनरली बच्चों की बात करें तो उसमें हम बहुत कॉमनली कंफ्यूज कर देते हैं सिलीशिया। तो जो ब्रोमियम है, जब हम बच्चों की बात करते हैं, ब्रोमियम जब हम चिल्ड्रन को प्रिस्क्राइब करते हैं तो बहुत कॉमनली होता है। आप टोटैलिटी ऑफ सिम्टम्स लगाते हैं बच्चों में, तो कैल्केरिया हो गई, पल्सटिलाज हो गई, सिलीशिया हो गई, तो इसके साथ बहुत कंफ्यूज करती है ब्रोमियम। या फिर जनरली आप कोई भी केस लेते हैं तो उसके साथ में ये प्रेजेंट होती है आपकी रेपर्टोरियल जो हम मेडिसिन निकालते हैं उसमें। और अगर हम फीमेल की बात करें जनरली तो उसमें सीपिया हो गई, ठीक है ना, उसके बहुत क्लोज आती है ब्रोमियम की। आयोडम के केसेस होते हैं उनमें बहुत क्लोज आती है ब्रोमियम। तो आज हम ब्रोमियम के बारे में बात करेंगे कि कैसे इसको यूज करना है, कैसे हम इसको लर्न करेंगे ताकि हम इसको इफेक्टिवली प्रिस्क्राइब कर सकें। सबसे पहले हम हर जैसे अभी तक मटेरिया मेडिकल सीरीज में करते आए हैं, हमें डिस्पोजिशन चाहिए। डिस्पोजिशन क्या है? एक तरह का एक सोल है मेडिसिन का, ठीक है, एक तरह की वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंसिटिविटी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोर है हर मेडिसिन की। तो डिस्पोजिशन क्या हो जाता है? एक तरह का एक एंट्री पॉइंट बन जाता है किसी भी केस में। बहुत सारे केसेस होते हैं जनरली, अभी 60% ऑफ केसेस जो हमारे क्लिनिक में आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, लैक ऑफ हमारे पास सिम्टम्स होते हैं, लैक ऑफ रूब्रिक्स होते हैं, जिसमें पेशेंट भी कुछ ज्यादा नहीं बता रहा, ऑब्जर्वेशन में आपके भी ज्यादा नहीं आ रहा, अटेंडेंट भी कुछ नहीं बता रहा, ठीक है ना। तो इन दीज साइकोसिफिलिटिक या सोरोसाइकोटिक केसेस में हमें क्या है, डिस्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। या फिर जो एक्यूट केसेस होते हैं वहां पे हम डिस्पोजिशन भी देखते हैं। तो ब्रोमियम क्या है? ब्रोमियम एक फियरफुल डिस्पोजिशन है, ठीक है। तो ये वो मेडिसिन है जिसमें फियर जो है, फियर का इमोशन जो है वो ओवर पावर करता है। इनकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आती है, सबसे पहले क्या होता है ब्रोमियम में, वो डर जाती है, ठीक है। जैसे हम आर्सेनिक में पढ़ते हैं वो क्या होता है, एंशियस हो जाते हैं, कैसे होगा, क्यों होगा, ये होता है, ये डर जाते हैं, ठीक है ना। इनको चिंता नहीं होती, ये घबरा जाते हैं। पहले इनका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है, घबराना। कैल्केरियस में हम देखते हैं फियरफुल डिस्पोजिशन है, स्ट्रेनोनियस में हम देखते हैं फियरफुल डिस्पोजिशन है, ठीक है। तो वो क्या है, ये अम्ब्राग्रेशिया में हमने देखा था क्वाइट एंड फियरफुल डिस्पोजिशन, पहले घबरा जाते हैं। लाइफ में कोई चेंज आए, लाइफ में कोई नई कोई जॉब मिले, नया कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, तो ये क्या हो गया, पहले घबरा जाए। तो इट इज अ फियरफुल डिस्पोजिशन। व्हेन इट कम्स टू डिस्पोजिशन, तो ब्रोमियम कम्स इन द ग्रुप ऑफ, जैसे हमने पहले बोला, आयोडीन एंड क्लोरीन। क्लोरीन इज म्यूरेटिकम, म्यूरेटिकम ग्रुप भी हमने किया था, ठीक है। तो म्यूरेटिकम ग्रुप के बारे में अगर बात करें तो उनकी क्या डिस्पोजिशन आती है, जैसे नेट्रमियर हो गई, मैग्नीशियम म्यूर हो गई, अमोनियम म्यूर हो गई, म्यूरेटिक एसिड हो गई, वो क्या, सेंसिटिव डिस्पोजिशन। सेंसिटिव डिस्पोजिशन मतलब इमोशनली बहुत सेंसिटिव है, इमोशनली बहुत रिएक्टिव है, उनको हर छोटी चीज से सेंसिटाइज हो जाते हैं, हर छोटी चीज जो है उनके मेंटल बैलेंस को हिला देती है, ठीक है ना। सो दे आर द सेंसिटिव डिस्पोजिशन विच आर मोर ऑन द इमोशनल साइड, कि उनकी कोई भी लाइफ में चेंजेस आएंगी, कोई भी लाइफ में सिचुएशन आएंगी, और कभी भी स्थिति ऐसी बनेगी जहाँ पे वो उनके अनुकूल नहीं होगी, तो वो क्या होगा। क्या होता है कि जब भी सिचुएशंस
अभी लाइफ का क्या है, लाइफ का एक रूल है, एक प्रिंसिपल है, दैट इट इज एवर चेंजिंग. रोज की रोज लाइफ चेंज होती जाएगी, हमारी लाइफ में रोज नए चैलेंजेस आएंगे, ठीक है ना. रोज ऐसी सिचुएशंस आएंगी जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर होंगे. तो अगर क्लोरीन में ऐसी सिचुएशन आती है जिनको म्यूरेटिक हम ग्रुप बोलते हैं, नेटर म्यूर ले लो, मैग्नीशियम ले लो, तो इनको इनमें क्या होता है, पहले इमोशनल डिस्टर्बेंसेस आ जाएंगी, ठीक है ना. तो इनके इमोशंस जो है वो ट्रिगर होने शुरू हो जाएंगे. अगर वही सेम सिचुएशन आयोडम्स में आती है तो आयोडम्स क्या होते हैं, उनको एकदम से पहले चिंता हो जाती है, उनको ये नहीं होता कि मैं एक्ट क्या करूं या रिएक्ट क्या करूं, ठीक है ना. उनको ये होता है, उनको पहले चिंता होनी शुरू हो जाएगी, हाय ये ऐसा ना हो जाए, हाय ये वैसा ना हो जाए, एंटीसिपेशन एंग्जाइटीज में आयोडम जाना शुरू कर देते हैं. उसके कारण आयोडम में क्या होता है, कॉमनली वो रेस्टलेस हो जाते हैं, ठीक है ना, हाइपर एक्टिव रेस्टलेस हो जाते हैं. ब्रोमियम में क्या होता है, जब भी कोई सिचुएशंस नई आती हैं, जब भी कोई नए चैलेंजेस आती हैं, ये पहले डर जाते हैं. कैसे कैसे डर होते हैं, फियर ऑफ फेलियर होता है, ठीक है ना, इस डर से मैं हर्ट ना हो जाऊं, ये चीज मेरा ये नुकसान ना कर दे. वो अपने ब्रोमियम अपने नुकसान के बारे में चला जाता है कि इस चीज से मेरा ये नुकसान ना हो जाए, इस चीज से मेरा वैसा नुकसान ना हो जाए, इस चीज को मैं कैसे करूंगा. तो इट इज अ फियरफुल कॉन्स्टिट्यूशन. तो यही एक हम मेजर डिस्पोजिशन हम जो है डिफ्रेंसिएशन देखते हैं व्हेन इट कम्स टू दिस ग्रुप, ठीक है. सो ब्रोमियम क्या है, ब्रोमियम इज फुल ऑफ फियर्स. कैसे कैसे फियर हैं, कुछ एग्जांपल्स में फियर ऑफ ड्राउनिंग है, ठीक है, इन जनरल भी वाटर ड्राउनिंग भी है, जिंदगी में भी ड्राउनिंग का फियर बना रहता है. कोई भी ऐसी सिचुएशन ना आ जाए जिसमें मैं डूब जाऊं, जिसमें मैं हेल्पलेस हो जाऊं, जिसमें मैं कुछ कर ना पाऊं, ठीक है ना. तो ड्राउनिंग क्या क्या है, जैसे फियर ऑफ ड्राउनिंग है ना, इसकी दो रिप्रेजेंटेशन है, एक तो फिजिकल ड्राउनिंग के वाटर से डर है तो मैं डूब ना जाऊं, तो एक फिलोसफिकल जो इसकी रिप्रेजेंटेशन आती है ड्राउनिंग की, वो ये होती है कि लाइफ में मैं कहीं ऐसी सिचुएशन में ना फंस जाऊं जहां पे मैं बिल्कुल ही हेल्पलेस हो जाऊं. व्हाट इज द सेंसेशन ऑफ ड्राउनिंग, डूबने की क्या सेंसेशन होती है, जब हम हेल्पलेस हो जाते हैं, ठीक है ना, ऐसी कोई सिचुएशन ना आ जाए लाइफ में जिससे मैं ओवरकम ही ना कर पाऊं, जो अपने आप में मुझे मुझे पूरा समा जाए. फियर ऑफ डार्क, ठीक है ना, फिजिकल डार्कनेस भी, लाइफ में भी अंधेरा ना छा जाए. फियर ऑफ डिजीज इम्पेंडिंग, फियर समवन इज बिहाइंड, ठीक है ना, ये जो फियर समवन इज बिहाइंड है इसमें भी ऐसा ही होता है उनको, ठीक है, उनको हमेशा रहता है कि पीछे ना कोई हो, पीछे ना कोई है. तो पीछे ना कोई है का मतलब क्या है, वो हमेशा थ्रेट ऑफ अटैक महसूस करते हैं. और किन किन मेडिसिन में होता है फियर ऑफ समवन इज बिहाइंड, ठीक है, मिडोरिनम हो गया, फॉस्फोरस हो गए, पल्साटिल्ला हो गए, तो इन सब, हर ठीक है, तो बहुत सारी मेडिसिन है. पर वो फियर क्या है बेसिकली, वो ये फियर है, उनको हमेशा ये फियर रहता है कि मेरे कोई पीछे पड़ा है, मेरे को हमेशा कोई अटैक करना चाहता है, चाहे वो वर्बल अटैक हो, चाहे वो फिजिकल अटैक हो, चाहे वो इमोशनल अटैक हो. तो जब छोटे बच्चों में डांट पड़ती है ना, छोटे बच्चों को, कोई बच्चे होते हैं बहुत क्यूरियस होते हैं, जैसे हम मीडो के एग्जांपल ले लेते हैं ब्रोमियम की, तो बच्चा बहुत क्यूरियस है, उसको बहुत कुछ करना है, और माँ बाप हमेशा डांट दे, ये क्या किया तूने, ऐसे मत कर, तेरे लगाऊंगा, तो वो धीरे 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 करके वो हमेशा एक फियर बन जाता है, समवन इज बिहाइंड. तो बच्चे कोई भी काम करते हमेशा पीछे देखते रहेंगे, अंधेरे में भी जाएंगे तो उनको ये डर रहता है पीछे से कोई पकड़ ना ले, है तो ये फियर ऐसे डेवलप होते हैं. और ब्रोमियम क्या है, इट इज वेरी रिसेप्टिव मेडिसन टू फियर. तो ब्रोमियम में जब भी आप, हमने प्रिस्क्राइब करना है या जब भी हम उसको फाइनलाइज कर रहे हैं अपने पेशेंट के लिए, हमें सबसे एक चीज ध्यान रखनी है कि इज इट अ फियरफुल डिस्पोजिशन जो हमारा पेशेंट बैठा है. इफ इट इज अ टिमिड फियरफुल डिस्पोजिशन, देन हम ब्रोमियम के साथ प्रोसीड कर सकते हैं. उसके बाद आ जाता है स्फीयर ऑफ एक्शन, ठीक है. अगर हमने स्फीयर ऑफ एक्शन समझ लिया तो बहुत सारे केसेस इसी स्फीयर ऑफ एक्शन से निकलते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है. अभी तक के जो ब्रोमियम प्रिस्क्राइब की है या जो ब्रोमियम के केसेस पड़े हैं, ठीक है ना, बहुत सारे केसेस पड़े हैं, आप देखेंगे डॉक्टर कैंट ने काफी केसेस देखे हैं, डॉक्टर क्लार्क ने दिए हैं, अगर आप अभी इसके बाद लेक्चर के बाद जाके ब्रोमियम के केसेस पढ़ेंगे, ठीक है, तो उनमें मेजोरिटी ऑफ केसेस जो है ना, मतलब 80% ऑफ केसेस या 70% आप लगा के चलिए, वो है रेस्पिरेटरी ट्रैक के और ग्लैंडुलर अफेक्शन के.
उसके अलावा फिर फीमेल डिजीजेज आ जाती है, चिल्ड्रन की कोई कोल्ड का फ्रेशेज उसकी डिजीज आ जाती है, एंड देन कम्स द ब्रेन एंड नर्व्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्पीयर ऑफ एक्शन है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है समझने वाला, कि ओनली ऑन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ब्रोंकियोल्स पे, एल्वोलाइज पे, ठीक है ना, वहां पे इसका बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट एक्शन नहीं है। मैंने अभी तक कोई केसेस भी नहीं पढ़े ब्रोंकाइटिस के, या ठीक है ना, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो है वो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लेरेंजियल मसल के, लेरेंक्स के मसल के, ठीक है, ट्रैकिया के। तो दीज आर द टू पार्ट्स जहां पे सबसे ज्यादा एक्शन आता है ब्रोमीन का। तो जब भी आप रेस्पिरेटरी केसेस देखते हैं तो हमें ये देखना है कि क्या ये लेरेंक्स से रिलेटेड है, क्या ये ट्रैकिया से रिलेटेड है, ठीक है ना। अगर उससे रिलेटेड है तो मेडिसिन खट करके हमारे दिमाग में स्पॉन्जिया जैसे आती है वैसे ही ब्रोमियम आनी चाहिए। और कौन सी मेडिसिन, हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात कर रहे थे, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो इसका प्रोमिनेंट एक्शन है दैट इज ऑन द लेरेंजियल मसल एंड ट्रैकिया। ठीक है, इसके क्यों है वो इसके बारे में बाद में बात करते हैं आगे। सेकेंड थिंग जहां पे इसका बहुत प्रोमिनेंट एक्शन आता है ब्रोमियम का, दैट इज ग्लैंड्स। ठीक है, जनरली ये हर ग्लैंड को कवर करती है बॉडी के, हर ग्लैंड पे इसका प्रोमिनेंट एक्शन है, बट जो स्पेशल एक्शन है वो है पैरोटिड ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड पे। ठीक है, अभी चीज आती है कि इसका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, क्या है इसकी एक यूनिकनेस ग्लैंड के रिलेटेड। तो ग्लैंड्स में जो सबसे यूनिक होता है ना जब हम ब्रोमियम की बात करते हैं, वो होती है हार्डनेस, स्टोनी हार्डनेस। सिर्फ हार्डनेस नहीं, हार्डनेस तो जनरली भी हो जाती है ग्लैंड्स की, स्टोनी हार्डनेस होती है ग्लैंड्स की, ठीक है ना, बट वो सुपुरेशन में नहीं जाते कभी। ग्लैंड स्टोनी हार्ड हो जाता है बट कभी भी सुपुरेट नहीं करता, वही स्टेगनेंट सिचुएशन बनी रहती है, ना उसमें कोई इन्फ्लामेटरी आती है, पेन रहती है पर वो भी बहुत माइल्ड लेवल की, लेकिन ग्लैंड पूरा इतना बड़ा साइज का हो जाएगा और स्टोनी हार्ड हो जाएगा। ठीक है ना, अदर जो इसमें डिफ्रेंसिएशन पॉइंट आते हैं, आयोडम से ले लीजिए, बेलाडोना से ले लीजिए, कि उनमें इन्फ्लामेटरी स्टेट्स आती हैं, ठीक है ना, इसमें क्या होता है इन्फ्लामेटरी स्टेट्स नहीं होती, इसके कारण इसमें क्या होता है, इसमें पेन नहीं आएगी, पेशेंट में कोई सुपुरेटिव सिम्टम्स नहीं आएंगे, जैसे फीवर नहीं आएगा, चिल्स नहीं आएंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को क्या फील होगा, सिर्फ बिकॉज ऑफ द ग्लैंड क्या है कि मेरी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है ना, तो सिर्फ मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड रहेंगी ग्लैंड्स के कारण, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इसका इफेक्ट ब्रेन एंड नर्व्स में, ब्रेन और नर्व्स में, और इन तीनों चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ये जो भी अटैक आते हैं वो स्पाज्मोडिक अटैक्स होते हैं डिजीज के। ठीक है ना, स्पाज्मोडिक अटैक्स आते हैं, एकदम सडन डेवलपमेंट होती है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट नहीं होती, और जब ये रिकवरी होनी शुरू होती है तो वो भी ग्रेजुअल एकदम सडन सिम्टम्स भी जल्दी चले जाते हैं। द फर्स्ट थिंग टू स्ट्राइक वन इन दिस रेमेडी इज इन्फ्लामेशन। ठीक है, जो इन्फ्लामेशन है, जो इन्फिल्ट्रेशन है, जो एनलार्जमेंट है, और फाइनली जो हार्डनिंग है ग्लैंड की, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस मेडिसिन का। जब भी हम पढ़ते हैं द ग्लैंड्स दैट इनफ्लेम इवेंचुअली एंड अप बिकमिंग एनलार्ज्ड एंड हार्ड। ठीक है ना, जैसे ही यह ग्लैंड की अफेक्शन हुई तो ब्रोमियम का करेक्टर, क्या करेक्टरिस्टिक होता है ब्रोमियम पेशेंट्स का, कि वो ग्लैंड्स बढ़ने लग जाते हैं जल्दी से साइज में और बहुत हार्ड होने लग जाते हैं, बट ना तो वहां पे कोई रेडनेस आती है, ना वहां पे कोई हीट आती है, ना वहां पे कोई सुपुरेशन इफेक्ट होता है। दीज ग्लैंड्स दे रिमेन हार्ड फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है ना, बहुत लंबा लंबा समय हार्ड ही होते हैं, लेकिन उससे आगे कोई स्टेट नहीं जाती, नेक्स्ट स्टेट में कभी नहीं जाते। आपको क्या होता है, जैसे थायराइड ग्लैंड की एग्जांपल ले लेते हैं, थायराइड ग्लैंड है, ठीक है ना, लेफ्ट साइड से बल्ज होया रहता है, मेरे पेशेंट है उनको ब्रोमियम से बहुत बेटर फील कर रही है, उनका ऐसे ही है, थायराइड ग्लैंड जो है लेफ्ट साइड से बाहर को है इतना साइज, उनके थायराइड रिपोर्ट करा लो सब नॉर्मल। ठीक है ना, आपको जी कुछ खाने में प्रॉब्लम आती है, नहीं जी, कोई पेन आती है, नहीं जी,
टच कर लो तो भी कोई ज्यादा पेन नहीं होती, बहुत ज्यादा प्रेस करो तो प्रेशर फील करती हैं या थोड़ा इरिटेशन फील करती हैं। सिर्फ प्रॉब्लम क्या आती है कि जी हार्डनेस इतने बढ़ गया साइज, उसके कारण स्टिफनेस है बस मूवमेंट में, एक्सेप्ट दैट, कोई सिम्टम नहीं, ठीक है ना। और ये स्टेट यहां से प्रोग्रेस भी नहीं की, 5 साल से उसकी सेम स्टेट बनी हुई थी, तो वो ब्रोमियम से बेटर हुए। तो दिस इज द करेक्टरिस्टिक पॉइंट। अगर इसके अलावा आप कोई भी मेडिसन लें इसके कंपैरिजन में, सिलिशिया लें, कोनियम लें, ठीक है ना, जिनका ग्लैंड पे बहुत ज्यादा पर्टिकुलर, फाइटोलाका लें, तो उनमें आप देखेंगे कि बहुत आगे प्रोग्रेसिव होती जाती है, जिसमें सुपुरेशन आएंगी, ठीक है ना, फिर डीजनरेशन आगे शुरू होने शुरू हो जाएंगी, उसके साथ साथ उनकी फंक्शनिंग की डीरेंजमेंट्स आएंगी। ब्रोमियम में ये नहीं होता, एंड दैट इज द मार्क्ड करेक्टर। के जैसे ही आपको कोई भी पेशेंट आया जिसमें बचपन से कोई ना कोई ग्लैंड अफेक्शन होने की टेंडेंसी है, पर वो उसका ग्लैंड की आगे करेक्टरिस्टिक क्या है कि सिर्फ वो बड़े हो जाते हैं और बिल्कुल स्टोनी हार्डनेस, नॉर्मल हार्डनेस नहीं, जब भी ग्लैंड के इन्फ्लामेशन आती है तो थोड़ी बहुत तो हार्डनेस रहती है, एक्सट्रीम हार्डनेस अगर हम यूज करेंगे वर्ड, तो वो ब्रोमियम के लिए यूज होगा। एक्सट्रीम हार्डनेस, पत्थर जैसा, थोड़ा सा भी नहीं दबाया जा रहा, ठीक है ना, वो होता है ब्रोमियम की ग्लैंडुलर अफेक्शन। नेक्स्ट कम जो इसमें पैथोलॉजी बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती है, आप अगर केसेस पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा, दैट इज द टेंडेंसी ऑफ डिप्थीरिया, ठीक है। तो डिप्थीरिया में क्या होता है, लेरिंग्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। सो व्हाट इज डिप्थीरिया, डिप्थीरिया इज डेवलप्ड जनरली ड्यूरिंग द हीलिंग फेज ऑफ लेरिंग्स, जबकि लेरिंग्स के अकॉर्डिंगली कोई कंफ्लिक्ट आया, ठीक है ना, लेरेंजियल मसल्स में कोई कंफ्लिक्ट आया, जब उसकी हीलिंग फेज स्टार्ट होता है तो उसमें डिप्थीरिया की डेवलपमेंट होती है। हर बार नहीं होती, तभी होगी अगर ड्यूरिंग द हीलिंग फेज, ठीक है ना, उसके साथ साथ जो हमारा है अबंडनमेंट कंफ्लिक्ट भी एक्टिवेट हो गया, तब वहां पे डिप्थीरिया बन जाता है। डिप्थीरिया समझता है हर कोई क्या होता है? डिप्थीरिया, डिप्थीरिया को समझते हैं सब, द पैथोलॉजी ऑफ डिप्थीरिया? तो डिप्थीरिया में क्या होता है, एक तरह की मेम्ब्रेन डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, जो हमारी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहां पे मेम्ब्रेन की डेवलपमेंट शुरू होने जाती है, उसको पंजाबी में, हिंदी में गले घोटने वाली बीमारी भी बोलते हैं, क्योंकि आपको चोकिंग सेंसेशन होती है बहुत ज्यादा, ठीक है ना, उसको डिप्थीरिया कहते हैं। अभी हम पहले पढ़ेंगे डिप्थीरिया होता ही क्यों है, डिप्थीरिया तो पहले हम डिप्थीरिया के बारे में समझेंगे, डिप्थीरिया होता कैसे है। तो डिप्थीरिया में ना अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में दो तरह के कंफ्लिक्ट आते हैं, मेल्स में कैसा आता है, टेरिटोरियल एंगर, ठीक है ना, जो भी उनकी टेरिटरी है, उनका बिजनेस है, उनका घर है, ठीक है ना, उनका फ्रेंड सर्कल है, उनका फैमिली सर्कल है, तो ये एक तरह की टेरिटरी होती है। तो मेल में जब भी इस टेरिटरी में उनको गुस्सा आ जाए, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए जहां पे उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया है, तो वो एक टेरिटोरियल एंगर उसको बोलते हैं, तो वो होता है मेल में। और फीमेल में डिप्थीरिया कैसे स्टार्ट होता है या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज कैसे स्टार्ट होती है, जब फीमेल अपने घर में, अपने वर्क प्लेस पे, अपने फैमिली सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में कोई बहुत ज्यादा घबरा जाए, डर जाए, तो उनका लेरिंग्स इफेक्ट हो जाता है। प्लस उसके साथ साथ अबंडनमेंट कंफ्लिक्ट, ठीक है, हमने अभी अबंडनमेंट कंफ्लिक्ट जो है बहुत बड़ा है, पहले बहुत बार हमने एक्सप्लेन किया है उसको, अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जब अबंडनमेंट कंफ्लिक्ट और टेरिटोरियल एंगर या स्केयर फ्राइड कंफ्लिक्ट जो फीमेल का है वो एक साथ स्टार्ट हो जाए, तब होता है बॉडी में डिप्थीरिया। तो आपके पास जब भी डिप्थीरिया के पेशेंट आए, अगर मेल हो तो हमने ये पूछना है कि भाई कौन सी जगह थी जहां पे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और तू निकाल नहीं पाया, अपने घर में या अपने जहां पे आप वर्क प्लेस है वहां पे। और अगर फीमेल आए तो उसमें क्या पूछना है कि कौन ऐसा क्या हुआ था जब आप बिल्कुल ठीक थे घर में या आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके वर्क प्लेस पे, जहां पे आप बहुत ज्यादा घबरा गए थे,
ठीक है, तो वहां से हमने एलिमेंट पिक करनी है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली हम डिप्थीरिया के लिए मेडिसिन देते हैं। नाउ कम्स दी डिप्थीरिया ऑफ ब्रोमियम। डिप्थीरिया ब्रोमियम में क्या समझने की बात है, अगर डिप्थीरिया की पैथोलॉजी आती है जो कि ब्रोमियम में बहुत ही कॉमन है, बहुत ज्यादा पेशेंट्स मिलते हैं हमें डिप्थीरिया के, तो ब्रोमियम का जो डिप्थीरिया है उससे सबसे इंपॉर्टेंट पहला पार्ट क्या है, ये हमेशा ऊपर को डेवलप होता जाता है, ठीक है, नीचे से शुरू होता है। पेशेंट बोलेगा जी पहले थोड़ा सा डॉक्टर साहब नीचे थ्रोट में शुरू हुआ था ये कंजेशन और ये सफोकेशन की सेंसेशन, फिर धीरे धीरे ऊपर को भी पूरी डेवलप होनी शुरू हो गई, ठीक है ना। दिस इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ डिप्थीरिया ऑफ ब्रोमियम। उसके साथ साथ क्या होती है, ड्राई ऑब्स्टिनेट क्रूपी कफ होती है, कफ होगी बहुत ही ड्राई, बहुत ही ऑब्स्टिनेट होगी, जिससे पेशेंट को ऐसा फील होगा जब भी खांसी करता हूं पूरा सांस ही रुक जाता है, ठीक है ना, वो गास्पिंग आएगी, ऐसे आवाजें आएंगी कि ऑक्सीजन के लिए वो तड़फ रहा है कफ करते साथ में। और ये हमेशा स्टार्ट कैसे होती है, इसका एग्रावेशन पॉइंट क्या होता है, जब भी पेशेंट वार्म होती है, जब भी उसकी बॉडी वार्म हो जाती है, जैसे उसने कोई गर्म कपड़े पहन लिए, एकदम से तंग होना शुरू हो जाता है। सर्दियों के दिन है, डॉक्टर साहब जैसे ही कंबल में जाता हूं तो एकदम से जो खांसी छिड़ जाएगी और मेरा बिल्कुल सांस रुकनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना, ये ब्रोमियम के पेशेंट में होता है। बच्चों में कैसे होता है, मदर है, मदर ने जैसे ही बच्चे को कवर किया, डॉक्टर साहब जैसे ही इसको कवर करती हूँ एकदम से इसको खांसी छिड़ जाती है, इसका मुंह लाल हो जाता है, बहुत जोर जोर से सांस लेता है और रोता है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक जिससे हम एकदम से ब्रोमियम के बारे में सोचते हैं। अलोंग विद दैट उसके साथ क्या होगा, जब भी डिप्थीरिया होगा साथ में हाई फीवर, फ्लश्ड फेस, ठीक है ना, आईज की कंजेशन होगी, उसमें से लेक्रिमेशन हो रही होगी, और पैर जो है वो बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं इन द केसेस ऑफ डिप्थीरिया, ठीक है, इन ब्रोमियम। और बच्चे, और जब भी ऐसी कंडीशन आती है ब्रोमियम में, चाहे वो डिप्थीरिया हो, चाहे वो ग्लैंडुलर अफेक्शन हो, कोई भी क्रॉनिक या एक्यूट कंडीशन आती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ब्रोमियम क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा रेस्टलेस होना शुरू हो जाता है, बहुत रेस्टलेस होने शुरू हो जाते हैं। जो एडल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, तेज तेज घूमना शुरू कर देंगे, सैर करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना, ऊपर नीचे होना घर में शुरू कर देंगे कि मेरे को आराम आ जाए। और बच्चों में क्या होता है, उनको क्या होता है कि बस मेरे को गोद उठाओ और तेज तेज घूमते रहो, गोद में उठाओ तो चुप नहीं होते, जब माँ बाप चलना शुरू कर देते हैं तेज तेज तब उन बच्चों को आराम आना शुरू होता है। अलोंग विद दैट उनकी पल्स कैसी होती है, क्विक होगी, फीबल होगी, बहुत तेज चल रही है, बहुत ही फीबल सेंसेशंस है और ट्रेमुलस होगी, ठीक है, उसकी बहुत ज्यादा जो रिदम है वो बहुत ही ट्रेमुलस होगी। उसके साथ साथ क्योंकि वो लेरिंक्स मसल इन्वॉल्व हैं तो क्या होगा, वॉइस की हॉर्सनेस आनी शुरू हो जाएगी, वॉइस जो है हॉर्स हो जाएगी, और अगर डिप्थीरिया की कंडीशन लंबी चलती है तो धीरे धीरे वॉइस बिल्कुल ही बंद हो जाती है ब्रोमियम के केस में, ठीक है। तो अभी हमें क्या पता लगा कि ब्रोमियम की लेरिंक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट्स है, और हमने पहले बात की कि ब्रोमियम क्या है, एक फियरफुल रेमेडी है, तो जनरली फियर में भी ब्रोमियम में क्या, कौन से फियर प्रोमिनेंट है, टेरिटोरियल फियर, वो फियर जो घर के अंदर आए, मम्मी से डांटना पड़ जाए, पापा से डांटना पड़ जाए, यार मेरा दोस्त ना नाराज हो जाए, ठीक है, बीवी से डांटना पड़ जाए, मम्मी की तबीयत ना एकदम खराब हो जाए, पापा को कुछ ना हो जाए, तो ये जो घरेलू फियर है ना टेरिटोरियल, उनको लेके बहुत होता है, या फिर टेरिटरी में कोई नया बंदा आया उससे घबराहट हो जाए, हो गई सास है, नई बहू आई तो यार इसके आने से घर की शांति ना खराब हो जाए, ठीक है ना, इसके आने से घर का माहौल ना खराब हो जाए, तो ऐसे ऐसे फियर हैं जो उनको एकदम से पकड़ लेते हैं। घर में कोई झगड़ा हो गया बहुत ज्यादा, ठीक है ना, उसको लेके एकदम घबरा जाना। सो दिस इज द स्टेट ऑफ ब्रोमियम, मेंटल स्टेट। नाउ कम्स द मेंटल जर्नल्स, तो साइड अभी ब्रोमियम में सबसे जो करेक्टरिस्टिक पॉइंट होता है, जैसे हम लैकेसेस में देखते हैं या लाइको में, हम हमेशा देखते हैं कि जी प्रोमिनेंट राइट साइड, एक तो होता है ठीक है
राइट साइड इन्वॉल्व हो जाती है, लेफ्ट भी हो जाती है, बट कुछ कुछ मेडिसन है जो प्रोमिनेंट होती हैं किसी चीज के लिए, जैसे नेट्रम्यूर है, ठीक है ना, उसको आप कैसे लेंगे, प्रोमिनेंट लेफ्ट साइड, या हमेशा सिम्टम पहले लेफ्ट ही इन्वॉल्व होगी कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए। ऐसे ही सल्फर है, प्रोमिनेंट लेफ्ट साइड, लाइको है प्रोमिनेंट राइट साइड, एंड सेम इज द केस ऑफ ब्रोमियम, जिसमें हमेशा साइड जो होती है वो हमेशा होती है लेफ्ट इफेक्ट होती है, या फिर सिम्टम लेफ्ट टू राइट चले जाएंगे, ठीक है ना। बट जो सबसे पहले कभी भी साइड इफेक्शन होगी, या कोई ग्लैंड है उसकी अगर अफेक्शन होंगी, तो वो क्या होंगे, सबसे पहले लेफ्ट साइड से ही डिजीज ब्रोमियम में शुरू होती है। अलॉन्ग विद दैट दे आर हॉट एंड थर्स्टी, ठीक है, मेमोरी बहुत एक्टिव होती है, ठीक है ना, लेकिन विल वीक होती है, माइंड इंटेलिजेंट है, जब आप उनसे कन्वर्सेशन करेंगे वो इंटेलिजेंटली आंसर देंगे, लेकिन विल वीक होती है, एंड कॉम्प्रिहेंशन जो है वो भी थोड़ी स्लो हो सकती है। डल और स्लो इसलिए हो जाती है कॉम्प्रिहेंशन, बिकॉज ऑफ जैसे उसके फियर्स हाइटेंड होने शुरू हो जाते हैं उम्र के साथ साथ, तो ब्रेन का जो कॉम्प्रिहेंशन सेंटर है वो कंपनसेट हो जाता है, ठीक है। द टिपिकल पार्ट ऑफ द फियर ऑफ ब्रोमियम इज कि बहुत ही पैरालिटिक और इनकंसोलेबल होते हैं। व्हाट इज पैरालिटिक फियर, कि बिकॉज ऑफ फियर आप कुछ एक्शन ही नहीं कर पाते। जब भी हमारे बॉडी के एक्शन रुक जाते हैं उसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ पैरालिसिस, ठीक है ना। तो जब भी ब्रोमियम में फियर आते हैं, तो ऐसे फियर है, उसको फियर इतना ज्यादा पकड़ के लेता है कि वो कुछ एक्ट ही नहीं कर पाता, उसको बोलते हैं पैरालिटिक स्टेट बिकॉज ऑफ फियर। उसके साथ साथ ये वो फियर हैं जो कंसोल करके, जिनमें आराम नहीं आता पेशेंट को, ठीक है। उसके अलावा जब भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है, ब्रोमियम का पेशेंट क्या है, उनमें कांस्टेंट लिमेंटिंग होती है, कॉन्स्टेंटली वो अपनी कंडीशन के बारे में रोते रहेंगे, कंप्लेन करते रहेंगे, लेमेंट करते रहेंगे, यार इसका क्या होगा, यार ऐसे क्यों हो गया, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया, देख अच्छी वाली लाइफ चल रही थी पता नहीं कहाँ से आ गया, तो बार बार उसी के टॉपिक के बारे में बात करते रहेंगे, ठीक है, जो अपनी परेशानियां हैं उनके बारे में। अलॉन्ग विद दैट जब भी ऐसी स्टेट आती है डिजीज की, कंपनी डिजायर हो जाती है, क्योंकि टिमिड है, फियरफुल है, तो आसपास कोई रहे तो उससे मुझे आराम महसूस होता है, जबकि आसपास रहने से उनको कोई कंसोलेशन नहीं मिलती। आसपास वाला इंसान अगर उनको कंसोल करना चाहिए कि यार कोई नहीं ठीक हो जाएगा, तो उससे वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसको ये होता है कि आसपास कोई है तो मैं थोड़ा सा पीसफुल फील करता। नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट, इसमें जो ब्रोमियम के केसेस में मैंने बहुत देखा है वो होता है कि इनको ना कांस्टेंट अर्ज रहती है कि घर से बाहर जाओ, और ऐसी स्टेट में हम बहुत बार होता है कि जी वॉन्डरिंग डिजायर लेके, कभी ट्यूबरकुलिनम, कभी कैल्केरिया फॉस, ठीक है ना, कभी पल्साटिल्ला हम इनको दे देते हैं। बट मोर देन दिस डिजायर टू ट्रेवल, इनमें डिजायर टू ट्रेवल नहीं होती, बट ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है कि मैं सिचुएशन से एस्केप कर जाऊं। जैसे घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई ठीक नहीं है घर में, या कोई झगड़ा हुआ हुआ है, तो इनको तैयार निकल जाओ यार, मैं दूर चला जाऊं, मेरे से ये देखा नहीं जाता, ठीक है ना। तो वो ये एक एस्केपिज्म का डिफेंस है इनका, और ऐसा ही एस्केपिज्म का डिफेंस हमने पहले कहां पे पढ़ा था, स्ट्रेमोनियम्स में पढ़ा था, ठीक है। ऐसे ही हमने एस्केपिज्म का डिफेंस कहाँ पढ़ा था, अगेरिकस में पढ़ा था, कि निकल जाओ यार सिचुएशन फेस करने की जगह निकल लो। कैल्केरिया में भी ऐसी एस्केपिज्म होती है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम आ जाए तो उनको होता है यार ये यहां से ना निकल ही लो, वही बेस्ट है मेरे लिए, ठीक है ना। तो एस्केपिज्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस है ब्रोमियम का। जब भी आप केस हिस्ट्री लेंगे तो उसमें एस्केपिज्म एक पॉइंट है, आप हमेशा देखेंगे कि यार हाँ इसकी लाइफ में ये सिचुएशंस आई, इसने क्या किया, वहां से निकल लिया, उसको फेस नहीं किया, या उस सिचुएशन में बना नहीं रहा, वहां से निकल लो, ठीक है। तो इसी एस्केपिज्म के कारण क्या होता है, इनको हमेशा रहती है डिजायर के यार बाहर रहूं,
मैं कोई भी बंधन में ना बंध जाऊं, मैं कोई भी रूटीन में ना बंध जाऊं, ठीक है। जो ब्रोमियम पेशेंट होते हैं इनको रूटीन्स बहुत तंग करते हैं, इनको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दो बहुत तंग करती हैं। क्यों? क्योंकि इनका काम क्या है, एस्केप करना। तो अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे, कोई रूटीन में चले जाएंगे, तो इनकी जो मेंटल कंडीशंस है फिर वो एग्रावेट होनी शुरू हो जाती है। लाइफ में नीड क्या है, फियर के कारण कि बस हल्का रहो, ठीक है। बीइंग अ फियरफुल रेमेडी, ब्रोमियम की क्या टेंडेंसी है, एस्केप कर जाओ सिचुएशन से, विच इज अ काइंड ऑफ टिमिड डिफेंस या एक टिमिड एक्शन है। और फियर के कारण क्या डिजायर कांस्टेंट है, एस्केपिज्म के कारण फिर क्या इनकी आदत कांस्टेंट हो जाती है, एक तो यार मैं उस कंडीशन में रहूं जो बहुत हल्की फुल्की है, जहां पे कोई ज्यादा सीरियस बात नहीं, मेरे को नहीं चलती जी कोई सीरियस बात डॉक्टर साहब, जो लोग ज्यादा सीरियस होते हैं मैं तो उनसे बात ही नहीं कर सकता। कोई डीप बात है तो ब्रोमियम पेशेंट हमेशा अवॉइड करते हैं डीप और सीरियस टॉक्स करने के लिए, उनको हल्का रहना है, ठीक है। उसके साथ साथ कॉन्स्टेंटली एक्टिविटी चलती रहती है इनकी, कॉन्स्टेंट मोशन में रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम फिजिकली कॉन्स्टेंट मूव करते रहते हैं तो माइंड डेविएट हो जाता है, तो माइंड थोड़ा रिलैक्स फील करता है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ब्रूमिंग पेशेंट में क्या होता है, कोई ना कोई लाइट सिचुएशन में रिलैक्सिंग एक्टिविटीज हैं उसमें इन्वॉल्व होके अपने आप को हमेशा रखते हैं कि चल मैं यार दोस्तों के साथ बाहर खा पी आता हूँ, चलो आज मूवी देख आते हैं। पीछे घर में बहुत सीरियस लात होंगे, लेकिन ये लोग कैसे हैं कि उनको तो यार कुछ बाहर निकल लूं थोड़ी देर, आधा घंटा एक घंटा, फिर आके सोचता हूँ क्या करना, तब तक मेरे जो फियर ओवर पावर हुआ है वो भी रिलैक्स हो जाएगा। अभी डिजीज बननी कब शुरू होती है, जब इनका एस्केप सिचुएशन बंद हो जाती है। लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहां से ये निकल ही नहीं पाते, ना ही टिमिडिटी के कारण रिएक्ट कर पाते हैं, ना एस्केप कर पा रहे हैं ना रिएक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि वो डिफेंस ही नहीं है रिएक्ट करने का। तो होता क्या है, वहां पे स्टक अप फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। सो ब्रोमियम अगर हम जीएनएम के हिसाब से बात करें, इट्स अ वेरी प्रोमिनेंट रेमेडी ऑफ अ स्टक अप फीलिंग। स्टक अप फीलिंग का क्या मतलब, मैं फंस गया, मैं हेल्पलेस हूं। स्टक अप फीलिंग सेम फीलिंग होती है जो ड्राउनिंग, फियर ऑफ ड्राउनिंग से निकल के आती है, ठीक है ना। तो इसलिए ये स्टक अप फीलिंग के कारण ब्रोमियम्स में क्लॉस्ट्रोफोबियाज भी बहुत जल्दी डेवलप हो जाते हैं। बहुत कॉमन है आपको ब्रोमियम के पेशेंट में क्लॉस्ट्रोफोबिक दिखेंगे, पर उसमें फीलिंग क्या है, स्टक अप फीलिंग। तो आप में से कोई बता सकता है कि जब भी स्टक अप फीलिंग आती है तो क्या होता है, क्या एलिमेंट्स आती है बॉडी में? हमने बहुत बार पहले भी बात कर चुके हैं स्टक अप फीलिंग की, क्या होता है जब स्टक अप फीलिंग आती है, यही हमने बात अगेरिकस में भी की थी अगर आप सबको याद हो। तो क्या होता है जब स्टक अप फीलिंग आती है, तो कौन सी बीमारी प्रोड्यूस होती है बॉडी में? ब्रेन फैज पैरालिसिस हैं जी, ब्रेन फैज पैरालिसिस ओके। और ब्रेन फैल सीजर्स 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 ओके और पैरालिसिस पैरालिसिस कन्वल्जन्स, पैरालिसिस ब्रेन फैग नहीं आएगा। ब्रेन फैग तो होता है कि ओवर उसमें फंक्शनिंग हो जाती है जिसमें ब्रेन की, और उसके बाद वो थॉट्स ही नहीं कलेक्ट कर पा रहे। तो इनमें सबसे मेन सिचुएशन क्या आती है, पैरालिसिस ऑफ मसल। और पैरालिसिस ऑफ मसल को रिकवर करने के लिए बॉडी क्या करती है, इन द स्टेट ऑफ कन्वल्जन जाती है, ठीक है ना। एक्स्ट्रा चार्ज देती है उन न्यूरॉन सेल्स को कि यार तुम एक्टिवेट हो, क्या हो रहा है तुम्हें, तुम काम नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो उनमें कन्वल्जन की सिचुएशन भी आती है, बट मेन सिचुएशन क्या है, पैरालिसिस ऑफ मसल। और यही सेम सिचुएशन है अगर आप देखें पीछे हमने जो बात की थी, डिप्थीरिया में भी होती है। यहाँ पे क्या होता है, पैरालिसिस ऑफ लेरेंजियल मसल्स, कि लेरेंक्स के जो मसल है वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं। इसीलिए क्या होता है, धीरे धीरे वॉइस खत्म होनी शुरू हो जाती है,
ठीक है। तो जब भी हमें लग रहा है यार पेशेंट ना स्टका फीलिंग बहुत है, केस लिया है शुरू से फंसा हुआ फील कर रहा है, हेल्पलेस फील कर रहा है, ठीक है ना, और उसके साथ साथ हमें एटोनिया ऑफ मसल मिल रहा है, पैरालिसिस ऑफ मसल मिल रहा है, तो ब्रोमियम का सोचना है। ऐसी हमने पहले कौन सी फीलिंग की बात की थी, अगेरिकस में की थी, स्टक अप फीलिंग, क्यूरियोसिटी बहुत है, एनर्जी बहुत है, कुछ करना है, माँ बाप कंट्रोल कर रहे हैं, टीचर्स कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, फंसा हुआ फील करता है, मैं क्या करूं। और उसमें भी यही होता है, पैरालिसिस की कंडीशन आने में उनमें उनकी एलिमेंट्स रहती है। अदर रेमेडी हमने की थी एलुमिना, अगेन अ मेडिसिन ऑफ स्टक अप फीलिंग। स्टक कैसे हो जाता है, फंसा हुआ कैसे होता है, कि जनरली मेरी कॉम्प्रीहेंशन स्लो है, मेरे एक्शन स्लो हैं, लेकिन लोग क्या रिक्वायर कर रहे हैं मेरे से, कि जल्दी करें जल्दी करें, तो वो मैसेज हर टाइम ब्रेन देता रहता है, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, लेकिन बॉडी क्या है, उसके रिएक्शन स्लो आते हैं, तो उसके कारण क्या है, पेशेंट हमेशा फंसा हुआ महसूस करता है, ठीक है ना। डॉक्टर साहब काम तो मैं करता हूं लेकिन कभी भी टाइम पे नहीं होता, तो सेल्फ गिल्ट रहती है, रिप्रोचिंग हिमसेल्फ रहती है, और उसके कारण जो एलुमिना है वो भी एक पैरालिसिस की मेन रेमेडी बन जाती है। नाउ कम्स द पार्ट ऑफ द ब्रोमियम फीमेल, ठीक है, फीमेल कैसी होती है ब्रोमियम की, अगर ब्रोमियम फीमेल की हम बात करें, जनरली कैसी फीमेल्स के लिए हम देता है, ब्लॉन्ड फीमेल, फेयर स्किन्ड ब्लॉन्ड फीमेल, जिनकी स्किन कैसी होगी, डेलिकेट स्किन, ठीक है, बहुत ही डेलिकेट लुकिंग फेयर एंड ब्लॉन्ड फीमेल, और इन्हीं के कारण हम क्या होता है कि बहुत कॉमन होता है ब्रोमियम को पल्सटिला के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि पल्सटिला में भी यही आती है ना, फेयर ब्लॉन्ड फीमेल विद डेलिकेट स्किन, लाइट आईज, जैसे ब्रोमियम में भी लाइट आईज होती हैं, लाइट कलर आईज होती हैं, उनमें भी लाइट कलर आईज होती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी डार्क हेयर नहीं हो सकते, डार्क भी हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम 80% ऑफ द टाइम्स दे जनरली गोज टू द पीपल हु आर फेयर ब्लॉन्ड फीमेल्स विद डेलिकेट स्किन, ठीक है। अदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रोमियम फीमेल में हम क्लिनिक्स में देखते हैं वो होता है एलिमेंट फ्रॉम सुप्रेस्ड सेक्शुअल एक्साइटमेंट, सेक्सुअल एक्साइटमेंट को अगर प्रोलॉन्ग टाइम तक सुप्रेस्ड करना पड़ता है तो तीन प्रोमिनेंट फीमेल रेमेडीज हैं जिनमें एलिमेंट्स आनी शुरू हो जाती हैं, एक है कालीफॉस, एक है कोनियम और तीसरी है ब्रोमियम। सो दिस इज अ वेरी करेक्टरिस्टिक एलिमेंट कि उसके बाद, ठीक है, उनको कोई भी माइग्रेन के सिम्टम्स डेवलप होने शुरू हो गए, स्ट्रॉन्ग वॉमिटिंग के सिम्टम्स डेवलप होने शुरू हो गए, ठीक है ना, या कोई वजाइनल इरप्शंस हो गए, हर्पीज शुरू हो गई आफ्टर द एलिमेंट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग फ्रॉम सुप्रेस्ड सेक्सुअल डिजायर सुप्रेस की फीमेल्स में तीन ही मेडिसिन है जो बहुत प्रोमिनेंटली आती हैं, कालीफॉस, कोनियम एंड ब्रोमियम, ठीक है। कालीफॉस का एक बार हमने पहले डिस्कस की थी, कालीस तब केस भी किया था जी, हस्बैंड बीमार हो गया, हस्बैंड बीमार होने के कारण क्या है, सेक्सुअल डिजायर सुप्रेस्ड रहेगी, हर चीज को ग्रीफ में नहीं लेना, पेशेंट के हिसाब से समझना है, वही उसकी इंडिविजुअलिटी है कि हस्बैंड के बीमार होने के कारण इसके लाइफ में ये क्या चीज से डेफिशिएंट फील करती है, ठीक है ना। तो पार्टनर नहीं होता तो ब्रोमियम फीमेल्स में जनरली डेफिशिएंसी क्या होती है, कालीफॉस होगी, ब्रोमियम होगी, कोनियम में इट इज द सेक्सुअल एक्साइटमेंट सुप्रेस हो जाती है, ठीक है ना। इट डजंट मीन कि ये बहुत हाइपर सेक्सुअल फीमेल्स होती हैं, बट इन जनरल जब हम केसेस देखते हैं कालीफॉस के, कोनियम के, ब्रोमियम के, ये वैसे भी फीमेल्स वो होती हैं जिनको अगर आप करें कि फैमिली आगे बढ़ाने का, ठीक है ना, प्रोजेनी होने का, बच्चे ज्यादा होने का इनको बहुत होता है, डॉक्टर साहब मुझे बच्चे बहुत पसंद है, मुझे शुरू से ही होता था कि मेरे 5-6 बच्चे हों, ठीक है ना। सो दीज आर द पीपल जिनको हमेशा होता है कि वो जो मल्टीप्लीकेशन है फैमिली की उसकी तरफ बहुत ध्यान रहता है। उसके साथ साथ जो करेक्टरिस्टिक पार्ट है ब्रोमियम का, हर मटेरिया मेडिका में भी दिया है, वो है फ्लेटस फ्रॉम वजाइना, या फिर सेंसेशन रहती है वजाइना से विंड पास होने की, विच इज वेरी करेक्टरिस्टिक पॉइंट ऑफ ब्रोमियम फीमेल। देन कम्स अनदर पार्ट जहां से हम ब्रोमियम
फीमेल्स में प्रिस्क्राइब करते हैं, दैट इज अवर्जन और इनडिफरेंस टू हाउस होल्ड ड्यूटीज, घर के काम करना अच्छा नहीं लगता, या घर के काम करने में अवर्जन मतलब हेट्रेड है. अच्छा तो बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोगों को नहीं लगता, बट अवर्जन की हम बात कर रहे हैं जिसमें करना ही नहीं है, बाकी सारे दुनिया के काम कर लेते हैं लेकिन जब घर का कोई काम करना पड़े, ठीक है ना, वो बिल्कुल ही नहीं कर पाते, वो करना ही नहीं है, उसमें इंडिफरेंस है, अवर्जन है, ठीक है ना. तो इसमें बहुत ही फ्यू प्रोमिनेंट रेमेडीज आती हैं, जिसमें से एक है ब्रोमियम. ठीक है, ब्रोमियम क्या होता है, वी मे थिंक ऑफ ब्रोमियम स्पेशली दोज लेडीज हु हैव इंडिफरेंस टू ड्यूटीज एंड डोमेस्टिक ड्यूटीज. ठीक है ना, इन जनरल भी इनको ड्यूटीज बहुत ज्यादा पसंद नहीं है. जैसे मैंने पहले बात की, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी रूटीन है, उसमें बंधना पसंद नहीं है. उसमें बंधती हूं तो मुझे स्टक अप सेंसेशन आनी शुरू हो जाती है, मुझे सफोकेट फील होता है. और ये सिर्फ फीमेल में नहीं है, जो ब्रोमियम मेल है उनमें भी सेम होता है. डॉक्टर साहब बाहर का इनको कुछ भी कह दो कर देते हैं, घर का कोई काम कह दो, बच्चे की फीस भर देना, लाइट का बिल भर देना, उनमें इनको पता नहीं क्या वर्जन रहती है, वो बोल देंगे मेरे से नहीं भरा जा रहा. मेल्स में भी सेम है, जो डोमेस्टिक ड्यूटीज हैं, हाउस होल्ड ड्यूटीज हैं, वो नहीं कर पाते. बाकी कोई डे टू डे नए चैलेंजेस हो, किसी और का काम करवाना हो, वो चले जाएंगे कराएंगे फटाफट. या कोई ऐसी चीज है जो आप खुद को पसंद है, वो जल्दी से ले लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना. जो बट जो डे टू डे पार्ट है उनमें नहीं एक्टिव होना. और कौन कौन सी रेमेडीज है, सेंकरिस है, ठीक है ना, द स्नेक रेमेडी. सेंकरिस में और क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं उनको, डेलिकेसीज प्रिपेयर करना, केक बनाना, टॉयज प्रिपेयर करना, ये बहुत अच्छा लगता है. एप्रिसिएशन डिजायर बहुत होती है सेंकरिस की, ठीक है ना. दे लव टू ड्रेस अप, दिस इज अ सेंकरिस. सल्फाइड है और रेमेडी. किसी का माइक ऑन है ना आई थिंक. तो सल्फाइड कैसी होती है, बहुत एंक्शियस बिजनेस माइंडेड सल्फर होती है, जिसको बिजनेस का, कैरियर का, बहुत ही एम्बिशियस सल्फर हम मानते हैं सल्फाइड को, ठीक है. सल्फाइड किस क्या मानते हैं, बहुत एम्बिशियस सल्फर, बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत एनर्जी है काम करने की. डॉक्टर साहब मैं तो 18-18 घंटे काम करता हूँ, उनको पैशन होता है उस चीज का. देन कम सीपिया, सीपिया भी इसी में आती है, वर्जन एंड इनडिफरेंस टू हाउस होल्ड ड्यूटीज में, ठीक है ना. सीपिया में क्या है, पर स्टेट कैसी रहती है, स्टैटिक स्टेट, इमोशनल प्लेन पे स्टैटिक रहेंगे इमोशंस, ठीक है ना. इनडिफरेंस स्टेट मेंटेन हो जाएगी, लॉस ऑफ इंटरेस्ट होना शुरू हो जाएगा. बट जो सीपिया की इनडिफरेंस है वो जनरली धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती इन जनरली हो जाएगी. प्लेयर से भी इनडिफरेंस हो जाएगी, बच्चों से भी इनडिफरेंस हो जाएगी, जो उनकी हॉबीज है उससे भी इनडिफरेंस हो जाएगी. तो एक जनरलाइज्ड इनडिफरेंस में धीरे धीरे जाना शुरू हो जाते हैं. फिर आती है बेम्बूसा. बेम्बूसा इज अगेन अ वेरी माइल्ड टिमिड रेमेडी, ठीक है ना, बट हिस्टीरिकल. माइल्ड है, टिमिड है, बट बहुत ही हिस्टीरिकल रिएक्शंस आते हैं. मेल भी हो चाहे फीमेल भी हो, उनमें हिस्टीरिया आता है. जैसे इग्निशिया मेल में, फीमेल में, दोनों में हिस्टीरिया के अटैक्स आते हैं, ऐसे ही बेम्बूसा में भी सेम होते हैं. इनको कोई ड्यूटी दे दो, इनको ऐसा लगता है मेरे को जी कैद कर दिया, डॉक्टर साहब मैं कैद होके नहीं रह सकता. इसलिए एक बेम्बूसा दी थी एक पेशेंट को कि मैंने शादी नहीं करवानी, कि शादी करूंगा फिर मेरे पे ड्यूटीज आ जाएंगी और मैं तो नहीं, मैं कर ही नहीं सकता उस चीज को. अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है बेम्बूसा का, बहुत सारे काम पकड़ लेंगे लेकिन पूरा कोई नहीं करते. मैंने डॉक्टर साहब ये भी शुरू कर लिया बिजनेस, मैंने वो भी शुरू कर लिया, लेकिन चल कोई भी नहीं रहा. एंड देन इज द कॉन्स्टेंट डिजायर फॉर सपोर्ट, क्योंकि बहुत ही मैंने बोला ना टिमिड, माइल्ड और हिस्टीरिकल रेमेडी होती है बेम्बूसा. अनदर कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट जो फीमेल में होता है ब्रोमियम में, वो होता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, या फिर रेपर्टरी के हिसाब से अगर बोले मेंसेस बिफोर एग्रावेशंस. मेंसेस आने से पहले, ठीक है ना, तो ये बहुत ही करेक्टरिस्टिक होता है, हर बार होता है, ठीक है ना. और उसमें होता क्या है, पेशेंट क्या फील करता है, बहुत ज्यादा फुलनेस सर में, चेस्ट में, ठीक है ना,
बहुत सर, डॉक्टर साहब जब भी पीरियड्स आने होते हैं उससे पहले मेरा सर भारी हो जाती है, मेरे को मेरी चेस्ट भारी लगती है, इतनी भारी लगती है कि मेरे से सांस भी नहीं लिया जाता, ठीक है ना। और उसके साथ साथ इनको एक ऐसी फीलिंग डेवलप हो जाती है जो अनएक्सप्लेनेबल होती है कि डॉक्टर साहब मेरे को ना अंदर कुछ घबराहट टाइप, कुछ अजीब सी फीलिंग होती है पर मैं बता नहीं पाती, मुझे एक्सप्लेन ही नहीं करनी आती, ठीक है ना। और इस फीलिंग के कारण क्या होता है, जब भी पीरियड्स आने हो उससे दो या तीन दिन पहले दे फील वेरी डिप्रेस्ड, वेरी लो। इस सिचुएशन को आराम कैसे आता है, अगर डॉक्टर साहब मैं बाहर निकल जाऊं, थोड़ा चल फिर लूं, कोई मैं जिम चली जाऊं, ठीक है, मैं थोड़ा ट्रेवल करूं तो थोड़ा मुझे आराम मिलता है। तो इसको हम बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। उसके अलावा करेक्टरिस्टिक पॉइंट क्या है जो ब्रोमियम फीमेल्स में होता है, दैट इज द विकेरियस डिस्चार्जेस, जैसे ब्रायोनिया, ठीक है ना, एक बहुत तीन मार्क्स की रेमेडी आती है, इंपॉर्टेंट रेमेडी आती है विकेरियस डिस्चार्जेस की। ब्रायोनिया के साथ जो सेकेंड रेमेडी है जो बहुत ज्यादा इसको कवर करती है वो है ब्रोमियम, ठीक है। सो व्हेनेवर यू प्रिस्क्राइब ब्रायोनिया फॉर द विकेरियस डिस्चार्जेस, ऑल्सो थिंक ऑफ द ब्रोमियम अलॉन्ग विद दैट। प्री मेंस्ट्रुअल जो सिंड्रोम है ये बहुत ही करेक्टरिस्टिक पॉइंट है, आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में जो फीमेल के उसमें मिलेगा ही। नाउ कम्स द चिल्ड्रन, के चाइल्ड कैसे होते हैं ब्रोमियम के। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जब मैं क्लिनिक में देखता हूं और मैं सोचता हूं कि यार ये ब्रोमियम का बच्चा हो सकता है, ठीक है ना। तो दीज आर द सम ऑफ द एंट्री पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं कि हम देखते हैं तो हमें लगता है यार ये ब्रोमियम का बच्चा हो सकता है। डेलिकेट पनी चिल्ड्रन, सिकली लुकिंग, बिल्कुल ही डेलिकेट से, ठीक है ना, शक्ल ऐसी होगी बीमारों जैसी जैसे इसमें से किसी ने जान ही निकाल दी है, ठीक है ना, पेल स्किन हुई होगी, उसमें हम सोचते हैं कि यार ये ब्रोमियम का बच्चा हो सकता है। जनरली अगर बच्चे हैं जिनके लेक्स्ड फाइबर, फेयर स्किन होती है, ठीक है ना, जैसे पुलसाटिल्ला कैल्कीरियास की होती है, उसमें हम सोचते हैं कि यार ये बच्चा जो है ये ब्रोमियम का हो सकता है। उसके साथ साथ फेयर लाइट आईज हो, ठीक है ना, आयोडम की जनरली हम जब आयोडम के हमने पढ़ा था, आयोडम से डिफ्रेंशिएट कैसे होता है, क्योंकि ये आयोडम के ग्रुप से आती है ना ब्रोमियम, तो उससे डिफ्रेंशिएट कैसे होता है कि आयोडम में जनरली क्या होती है, डार्क कॉम्प्लेक्शंस होती है, डार्क आईज, डार्क कॉम्प्लेक्शंस, ठीक है ना, डार्क हेयर। और ब्रोमियम में क्या होते हैं, फेयर लाइट। उसके साथ साथ अगर बच्चों में बहुत स्ट्रांग हमें फियर ऑफ डार्क मिल रहा है तो फॉस्फोरस, ट्रेमोनियम, ठीक है ना, लाइकोपोडियम, ऐसी दवाइयां जब हम सोचते हैं उसके साथ साथ हम ब्रोमियम के बारे में भी सोचते हैं। इसके अलावा डिजायर टू बी कैरिड मिले फास्ट, वो भी कि डॉक्टर साहब सिर्फ गोद, इसको गोद में उठा लो उससे इसको चुप नहीं होता, फिर हमें जल्द तेज तेज सैर करनी पड़ती है, तेज तेज घूमना पड़ता है, या फिर डॉक्टर साहब अगर गोद में उठा लो उससे कुछ नहीं होता, इसको बाइक पे बिठा के अगर मैं घुमा के लाऊं ना फिर ये चुप हो जाता है, ठीक है, जैसे कैल्कीरिया फॉस में होती है कैरिड फास्ट, आर्सेनिक में होती है, वैसे ही इनमें भी होती है कि डिजायर टू बी कैरिड फास्ट, ठीक है ना। एंड मोशन एमिल्योरेशन, बट मोशन भी कौन से एमिल्योरेशन करते हैं, जो वायलेंट मोशन होते हैं, जैसे जिमिंग करना, डॉक्टर साहब मैं नहीं ठीक फील करता ना तो फिर मैं रनिंग के लिए चला जाता हूँ, फिर मैं भाग के आता हूँ, फिर मेरे को थोड़ा बेटर फील होता है, ठीक है ना। सो दीज आर द काइंड ऑफ वायलेंट मोशंस जिनसे ब्रोमियम को आराम मिलता है। उसके साथ साथ क्या है, कॉन्स्टेंट स्टेयरिंग हो, बच्चे होते हैं ना जो लगातार ही देखते रहते हैं, आपकी आंख में लगातार ही देख रहे हैं, ठीक है ना, थॉटलेस स्टेयरिंग कर रहे हैं, जैसे थूजा के बच्चे होते हैं, ब्राइटा के बच्चे होते हैं, ऐसी ब्रोमियम के बच्चों में भी होता है, कॉन्स्टेंटली देखते रहेंगे आपकी तरफ आंख में आंख डाल के, ठीक है ना, आप उनको बुलाने की कोशिश करो, आप उनको स्माइल दे रहे हो लेकिन उनके फेस एक्सप्रेशन नहीं चेंज हो रहे, ब्लैंक लुक कॉन्स्टेंटली आपकी आईज में देखते हैं, उन बच्चों में हम ब्रोमियम सोचते हैं एंट्री पॉइंट के तौर पे। फिर वो बच्चे जिनके ग्लैंड्स इनलार्ज होते हैं, कोई भी ग्लैंडुलर बार बार रिकरेंट ट्रबल आ रही है बच्चों में और वो जो ग्लैंड है वो बहुत बड़े हो रहे हैं, सिर्फ उनमें पेन नहीं हो रही, इन्फेक्शन नहीं है, वो बहुत बड़े साइज में हो रहे हैं, हार्ड हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन आती है जिसमें मैं ब्रोमियम के बच्चों के बारे में सोचता हूँ कि ये ब्रोमियम हो सकता है, ठीक है। नाउ द करैक्टरिस्टिक ऑफ ब्रोमियम चिल्ड्रन क्या होते हैं, कुछ तो पहले बात कर ली कि जी लाइट कॉम्प्लेक्शन है, फियर ऑफ डार्क है, डिजायर टू बी कैरिड फास्ट है, उसके अलावा
ब्रोमियम इज मोस्टली प्रिस्क्राइब्ड फॉर एक्यूट डिसऑर्डर्स फॉर चिल्ड्रन. इट इज स्पेशली सूटेड फॉर द चिल्ड्रन विद थिन वाइट एंड डेलिकेट स्किन. ठीक है ना. जब हमने आप लोगों को याद है जब हमने डेलिकेट डिस्पोजिशन के बारे में बात की थी पिछली बार, हमने बात की थी ना एम्ब्राग्रेशिया की, तो उसमें हमने डेलिकेट डिस्पोजिशन के बारे में बात की थी. तब उन मेडिसिन में मैंने ब्रोमियम के बारे में बताया था कि ब्रोमियम इज आल्सो वन ऑफ द डेलिकेट कॉन्स्टिट्यूशन. बच्चों में बहुत डेलिकेसी होती है. डेलिकेट मतलब बहुत ज्यादा कॉशियस, चोट ना लग जाए, इमोशनली भी बहुत डेलिकेट, मेंटली भी बहुत डेलिकेट, कोई मुझे हर्ट ना कर दे, मम्मी पापा मुझे ना बोल दे, मेरे से वो सहा ही नहीं जाएगा. सो दिस इज अ डेलिकेसी. तो वही डेलिकेसी जो है वो ब्रोमियम के डिफेंस में भी मिलती है, पर स्पेशली बच्चों में. ठीक है. द बच्चे वो चिल्ड्रन हु आर पनी एंड सिकली लुकिंग, स्क्रॉसफुल चिल्ड्रन विद एनलार्ज ग्लैंड्स. सो द ब्रोमियम चिल्ड्रन दे हैव अ कॉन्स्टेंट डिजायर टू बी कैरिड. ठीक है ना. पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द क्रूप कफ नोज ब्लीड. बच्चों में ब्रोमियम जनरली क्या होती है, जैसे पहले बात की कि लेफ्ट साइड एलिमेंट्स आ रही है बच्चों में कॉन्स्टेंटली, ग्लैंड जो है सिर्फ लेफ्ट साइड का ही सूज रहा है. ठीक है ना. चेस्ट है, मेमे है, लेफ्ट साइड के ग्लैंड सूज रहे हैं, थिंक ऑफ द ब्रोमियम. थ्रोट है, थ्रोट में क्या है जो लेफ्ट साइड के टॉन्सिलाइटिस हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े टॉन्सिल्स हो जाते हैं लेफ्ट साइड में, बट कोई पेन नहीं है, बस एनलार्ज्ड स्टोनी हार्ड हुए हैं, थिंक ऑफ ब्रोमियम. ठीक है. देन कम्स द जनरलिटी ऑफ ब्रोमियम. ब्रोमियम जनरलिटी वाइज अगर देखा जाए इट कम्स वेरी क्लोज टू पल्स. कैसे, जैसे पल्स को ओपन एयर डिजायर है, ब्रोमियम में भी ओपन एयर डिजायर है. पल्स को हीट या सन एग्रावेट करता है, ऐसी ब्रोमियम में भी हीट और सन एग्रावेट करता है. सो दे बोथ हैव द रिएक्शन फ्रॉम हीट एज वेल एज एक्सपोजर टू द सन व्हिच कॉजेस एलर्जिक रिएक्शंस. इसके अलावा ब्रोमियम पेशेंट डिस्क्राइब कैसे होते हैं, फेयर ब्लॉन्ड लाइट हेयर्ड पीपल विद लेग्स फाइबर. ठीक है ना. चिल्ड्रन लेग्स फाइबर और ऐसे ही पल्सटिल्ला के भी होते हैं. अभी डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट क्या आता है पल्स और ब्रोमियम में. जनरलिटीज इतनी क्लोज हैं, इतना सब है, तो इसमें डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स क्या आते हैं. पहला, जो पल्सटिल्ला होती है उसको इन जनरल मोशन एग्रावेट करता है, वेयर एज ब्रोमियम दे हैव अ कॉन्स्टेंट डिजायर फॉर स्ट्रॉन्ग वायलेंट फास्ट मोशंस. ठीक है ना. पहला तो ये. सेकेंड थिंग, ब्रोमियम के बच्चे जब जनरली दे बिकम सिक, ठीक है ना, तो उनको डिस्टर्ब्ड और टच करने की अवर्जन शुरू हो जाती है कि मुझे ना तो कोई बुलाए, ठीक है ना, गोद में उठा लो पर कोई अफेक्शन आप शो करेंगे तो वो इरिटेट होते हैं, अनलाइक पल्सटिल्ला. ठीक है ना. जिनको चाहिए कि उनको कॉन्स्टेंटली उनसे बात करो, उनको कॉन्स्टेंटली अटेंड करो, ब्रोमियम में ये नहीं होता. ठीक है. ब्रोमियम में जो करेक्टरिस्टिक पॉइंट हमने देखना है, बाकी जो देखे हैं उसके साथ साथ, कि ब्रोमियम में ओवर हीट की बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी है. जैसे सल्फर में हम पढ़ते हैं बार बार कि जी उसको कवर कर दो, सल्फर का बच्चा बहुत तंग होता है, सल्फर का बच्चा गर्म रूम में चला जाए बहुत तंग होता है. ठीक है ना. सल्फर के बच्चे को गर्म कपड़े ज्यादा पहना दो बहुत तंग होता है. ऐसे ही ब्रोमियम की एग्रावेशंस होती हैं कफ की, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, और या फिर उसकी ग्लैंडुलर अफेक्शंस की. नाउ कम्स द एग्रावेशन एंड एमिलियोरेशन पॉइंट. द एग्रावेशन क्या क्या है ब्रोमियम की, स्मोक से हो जाती है इग्निशिया की तरह. मिल्क एग्रावेट करता है ब्रोमियम को, हॉट वेदर एग्रावेट करता है, हॉट गर्म होना, उनके बॉडी टेम्परेचर अगर गर्म हो तो वो भी तंग होते हैं, और चेंज ऑफ टेम्परेचर तंग करता है, बट चेंज कौन सी टेम्परेचर की, एक ही, जब भी सर्दियों से गर्मियां नहीं शुरू होती हैं. इंडिया के हिसाब से वो कौन सा मंथ होता है, मार्च अप्रैल के मंथ. तो मार्च अप्रैल के मंथ जो बच्चे बीमार होते हैं तो उनमें ब्रोमियम बहुत ही प्रोमिनेंट एक्ट करती है अच्छे से. अदर मेडिसिन जो उन मंथ्स में अच्छी एक्ट करती है वो होती है कैल्केलिया कार्बोनिका. ठीक है ना. मार्च अप्रैल में हम जनरली देते हैं, कोल्ड टू वार्म में जब भी टेम्परेचर आता है जी, इन बच्चों के लिए ये होती है. आर्सेनिक, उनका भी बहुत प्रोमिनेंट एक्शन है इस मंथ में. इसके साथ साथ एमिलियोरेशन कैसी है, वायलेंट मोशन. ठीक है. एग्जर्ट करना, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एग्जर्शन करता हूँ,
स्ट्रॉन्ग काम करने लग जाना, कोई ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाना जहां पे बहुत ज्यादा जोर लगे, ठीक है ना, या फिर गाड़ी में निकल जाना, बाइक पे निकल जाना, उससे उनको आराम आता है, ये जो स्ट्रॉन्ग वायलेंट इमोशंस होते हैं। और कौन कौन सी रेमेडीज है जिनको सेम इन चीजों से मेल्योरेशन होती है? सीपिया, एसिड सल्फ एंड आर्सेनिकम, उनमें भी आपको वायलेंट मोशंस मिलेंगे। तो अगर वायलेंट आपको लग रहा है मेल्योरेशन फ्रॉम वायलेंट मोशन है, तो आपको तीन रेमेडी और रूल आउट करनी है ब्रोमियम के साथ, आर्सेनिक, सीपिया एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। हाँ जी, ब्रोमियम तो आई थिंक हो गया है आज लेक्चर। इस कुछ समझ नहीं आई हो तो कोई क्वेश्चंस हो ब्रोमियम के रिलेटेड? हेलो, हाँ भैया, ये पूछना था कि जो पल्स में ट्रेमुलस हम कैसे पता करेंगे? क्या बोल रहे हैं जी, क्वेश्चन समझ नहीं आया। कौन क्वेश्चन रिपीट कर देंगे आप? हेलो सर, हम पल्स में क्विक, फीबल और ट्रेमुलस करें, इसमें ट्रेमुलस पल्स, ट्रेमुलस होती है जो बहुत ही क्योटिक पल्स होती है, जो बहुत ही डिसरिदमिक पल्स होती है, उसको बोलते हैं हम ट्रेमुलस पल्स। कैसी होती है ब्रोमियम की जो जनरली पल्स होती है? एक तो वो रैपिड होती है, तेज तेज चल रही है, ठीक है ना, ठीक है ना, तेज तेज चल रही है, लेकिन जो बीट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बीट नहीं है, बहुत ही माइल्ड सी बीट है, बहुत आपको जोर से ऐसे उसको फील करना पड़ता है। उसके साथ साथ ट्रेमुलस का क्या मतलब होता है, जैसे जनरली हमारी पल्स में क्या होता है, हाई और लो होते हैं जनरली, ठीक है ना, तो उसमें जो हाई और लो होते हैं हमारे पल्स के, जिसको हम पल्सेशन बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा मार्क्ड नहीं होती, कभी बहुत तेज होगी, कभी बहुत नीचे चलेगी, फिर नीचे से ऊपर आ गई, तो इसको बोलते हैं हम ट्रेमुलस पल्स। तो जनरली जब टैकीकार्डिया के आप पेशेंट देखते हैं ना, टैकीकार्डिया जिनमें होता है, तो उसमें हमें ये ट्रेमुलस पल्स मिलती है। पर टैकीकार्डिया में जनरली कैसी होती है पल्स? फास्ट, स्ट्रॉन्ग एंड ट्रेमुलस, जिसका ट्रेमुलस का मतलब ये होता है कि उसकी कोई पर्टिकुलर रिदम ही नहीं है, ठीक है ना, रिदमिक नहीं है वो पल्स, उसको हम ट्रेमुलस बोलते हैं, क्योटिक पल्स, ट्रेमुलस पल्स। उसके अलावा अभी और कोई आंसर, कोई और क्वेश्चन, कुछ और पूछना है? सर वो टेंडेंसी टू डिप्थीरिया में हीलिंग फेज प्लस सिंड्रोम वाला पॉइंट बता दीजिए प्लीज। आपने वो किया हुआ है, आपने पहले हमने जो काफी बार डिस्कस किया ना, अबंडनमेंट कॉन्फ्लिक्ट किया है आपने? थोड़ा बहुत याद है, थोड़ा बहुत याद है, थोड़ा अबंडनमेंट कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़िए। नहीं, अबंडनमेंट वाला नहीं पूछ रहा सर, उसमें टेंडेंसी टू डिप्थीरिया में जहां पे लिखा था आपने डेवलपमेंट ऑफ किडनी कलेक्टिंग ट्यूब सिंड्रोम, हां 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 वो चीज पूछ रहा हूं। तो वो क्या होता है किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल सिंड्रोम में? एक तरह के ये जीएनएम का वर्ड यूज किया गया है, उसमें मत जाइए, ठीक है ना, वो तो अगर जीएनएम पढ़ते हैं वो अलग चीज है, नहीं भी पढ़ेंगे कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेसिकली एक ये एक तरह का अबंडनमेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है, अबंडनमेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है जब आपको ये लगता है कि मैं अकेला रह गया लाइफ में, मेरा सब खत्म हो गया, उसको बोलते हैं अबंडेंट फीलिंग, डेजर्टेड फीलिंग, जैसे किसी को रेगिस्तान में छोड़ दिया कि मैं अकेला रह गया, मेरा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इसमें क्या है कि टेरिटोरियल एंगर आया, टेरिटरी में मेल है एक, उसको टेरिटरी में गुस्सा चल रहा है उसके, उसके साथ साथ ऐसी सिचुएशन आ गई जिसको उसको लगा कि इसका अभी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। एबंडनमेंट कन्फ्लिक्ट को हम वो दूसरा बोलते हैं रिफ्यूजी कन्फ्लिक्ट, जैसे सीरिया में चल रही है जंग, यूक्रेन में चल रही है वॉर, है ना, तो वहां के रिफ्यूजी कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, सब कुछ खत्म है, सब कुछ खत्म है, ठीक है, स्टारवेशन है, सब कुछ खत्म है, लाइफ में कुछ होप नहीं दिख रही, होपलेस हो गए, तो इसको हम बोलते हैं अबंडनमेंट फीलिंग, अबंडनमेंट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है ना। तो जब भी
रिफ्यूजीज में, जैसे सीरियन रिफ्यूजीज का डेटा था, उनमें अब बहुत कॉमन था कि उनको किडनी के सिम्टम्स आ रहे थे, स्पेशली कलेक्टिंग टब्यूल्स के किडनी के. वैसे ही अभी यूक्रेन के जो रिफ्यूजीज हैं उनमें भी सेम, अगर आप केसेस पढ़ेंगे सेम आएंगे. तो इसको एक तरह का रिफ्यूजी कन्फ्लिक्ट भी कहते हैं. लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती है, जैसे शेयर मार्केट में किसी का बहुत बड़ा लॉस हो गया सडनली, ठीक है ना, उसको हो गया मैं क्या करूंगा, सब खत्म हो गया, लाइफ में कुछ रहा ही नहीं, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं था. सो दीज आर द सिचुएशन जिसको हम बोलते हैं अबंडनमेंट कन्फ्लिक्ट, ठीक है ना. टेरिटोरियल, अभी क्या है कि अगर सिर्फ टेरिटोरियल एंगर है तो जरूरी नहीं है कि डिप्थीरिया हो, उसमें लेरिंग्स की और प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, कफ भी हो सकती है, ठीक है ना. जितनी भी अपनी क्रूप सिचुएशन, कफ की सिचुएशन, वॉयलेंट कफ आ जाती है, ठीक है ना, सफोकेटिव कफ होती है, वो सारी लेरेंजियल कफ्स होती है, उसको हम बोलते हैं लेरेंजियल कफ. और वो तभी होती है जब लोगों में टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट आया, एंगर का कन्फ्लिक्ट आया हो. अभी जब हमने लेरेंजियल कफ बहुत देखी, मैंने जब ये कोविड का फेज चल रहा था, ठीक है ना, सडन सब रुक गया, सडन सब शट डाउन हो गया, ठीक है ना, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे घर की प्रॉब्लम्स आई, ठीक है ना, उस सिचुएशन में वर्क प्लेस घर की, तो कफ बहुत कॉमन थी उस टाइम पे, ठीक है ना, सफोकेटिव कफ, ड्राई कफ बहुत कॉमन हो रही थी, और एकदम से सांस अड़ जाना. कैसी होती है लेरिंजियल कफ की, जल्दी साउंड कहती है, ठीक है ना, ऐसी सांस आती है एकदम जैसे चोक हो गए, तो चोकिंग कफ होती है लेरिंजियल, तो वो टेरिटोरियल एंगर का इन जनरल है वो, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. बट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आपका अफेक्टेड है, उसके साथ ही आपको अबंडनमेंट कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तभी डिप्थीरिया डेवलप होता है, ठीक है. तो डिप्थीरिया को रिकवर करने के लिए हमें, अगर मेल है तो उसमें टेरिटरी का एंगर के अराउंड जो सिचुएशंस बनी वो लेनी है, और साथ साथ में अबंडनमेंट कॉन्फ्लिक्ट क्या है, और फीमेल में हमें क्या कंसिडर करना है कि वो कहाँ पे डर गई थी, बहुत ज्यादा घबरा गई थी, डरना नहीं घबरा गई थी, और उसके साथ साथ अबंडनमेंट कन्फ्लिक्ट को जब हम इन कंसिडरेशन करेंगे तो डिप्थीरिया एकदम से हील होता है, ठीक है. Yes, sir. तो ये इन जनरल डिप्थीरिया की बात की थी. उसके बाद हमने ब्रोमियम की बात की कि ब्रोमियम का डिप्थीरिया में क्या कैरेक्टरिस्टिक है. पहले तो वार्म होता है, तब उसका एग्रावेशन होता है, जैसे ही उसकी बॉडी हीटेड होती है तो एकदम से एग्रावेशन शुरू हो जाती है, ठीक है. वार्म कपड़े पहन ले, कंबल ले ले, वार्म रूम में आ जाए, सन में सीधा चला जाए. उसके साथ साथ डिप्थीरिया जो होता है कैरेक्टरिस्टिक ब्रोमियम का, उसका होता है कि ऊपर को डेवलप होता है, नीचे से ऊपर को जा रहा होता है, प्रोग्रेस दिखती है पेशेंट को कि पहले इसी जगह था लेरिंग्स के, अभी ऊपर को आता जा रहा है, ठीक है ना. तो वो एरिया ऑफ सफोकेशन जो है या एरिया ऑफ चोकिंग एरिया वो बढ़ता जाता है. उसके साथ साथ फ्लश्ड फेस होता है, पल्स क्विक फीबल टर्मुलस होती है, और उसके साथ साथ वॉइस लॉस होनी शुरू हो जाती है, ठीक है. यस सर. चलो अभी नेक्स्ट टाइम करेंगे एक ना, आज वॉचफुलनेस का करना था, पर अभी वॉचफुलनेस करेंगे, उसके साथ सारी उनकी मेडिसिन भी करेंगे रूब्रिक की, बच्चों में जो बच्चों के केस होते हैं ना, बहुत यूज होता है ये रूब्रिक वॉचफुलनेस. तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ना, अगली बार इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, इसकी सारी मेडिसिन के बारे में, किन बच्चों में लेना है, किन बच्चों में वॉचफुलनेस नहीं लेनी, कन्फ्यूज नहीं होना है, तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है. उससे पहले जाके ब्रोमियम पढ़ो, फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी उसके रिगार्डिंग कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप ग्रुप पे पूछ लेना, वी विल हेल्प यू आउट. इसके अलावा जो पिछले अगर आपके कोई भी लेक्चर मिस हो गए हैं, मटेरिया मेडिका के रिगार्डिंग है, ऑर्गेनन के रिगार्डिंग है, तो हर्फ का पेज है यूट्यूब पे, वहां पे सारे लेक्चर अपलोड हुए हुए हैं, आप उनको जाके रिकॉल कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, ठीक है ना. अगर आप उन चीजों के बारे में अगर आपका लिंक बना है ना, तो जो भी आगे नए लेक्चर होते हैं तो उसका फिर ब्रिज क्रिएट होता जाता है, ठीक है, उसके उसको जाके चेकआउट कर लीजिए. चलो ठीक है, गुड नाइट, टेक.